एंड और नाम बताओ शान मेहता शान तुम्हारे घर में कौन कौन है मैं, मैं और मेरी छोटी मेरी सी बहन गुड डे अब ध्यान से मुझे उन ख्यालों के बारे में बताओ आराम से क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है शान शान मैंने तुझसे शान कुछ नहीं मांगा बेटा सिर्फ चाहा कि तू कामयाब हो जाए ये क्या क्या बेटा अपने पापा को ही मार मुझसे मेरे पापा और मम्मी दोनों को छीन लिया आपने मेरी जिंदगी क्यों भैया क्यों गया। अच्छा हुआ तेरा चेहरा बिना देखे ही चला गया क्यों ना दिया शान शान पापा शान कम डाउन कम डाउन शान बापा। शान शान मैं ही हूं तुम्हारे पास तुम्हारे गरीब हमेशा सपनों से मत शान भैया तू ठीक तो है भैया क्या हुआ उठो शान कुटे तो तो यहाँ कैसा विक्रम विक्रम भैया आप क्या बोल तो, रहे हो मैं कहाँ मैं कहाँ मैं कहाँ नहीं मैं कहाँ तुम तुम लोग क्या हम कहाँ हम कहाँ हैं शांत तू तो क्या बोल रहा है शांत हो जा पहले शांत हो जा बात सुन मेरी आज कौन सा तारीख है याद है डेट बता बता बड़ा। आज बारह नहीं ग्यारह सितंबर है तू तो कोलकाता में है शान हम सब कोलकाता में है हम बैंगलोर गए नहीं जाने वाले है तेरा इंटरव्यू है याद है ना और तेरा वो बुक हम सफर वो भी तो पब्लिश करना है तू तो सपना देख रहा था शांत तू नींद में था मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है वो आते ही होंगे आइए डॉक्टर विक्रम गुड्डी देखो मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे जिनमें पोस्ट्रोमाटिक डिसऑर्डर्स के कारण पेशेंट अक्सर मानसिक संतुलन खो बैठता है शान के केस में उसके पेरेंट्स की मौत उसको एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ले गया जहाँ वो खुद को दोषी मानता है और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता है और उसके कारण उसने अपने ही माइंड में एक अलग कैरेक्टर बना लिया जो उसे उसके हिसाब से संभालती है शांत कराती है पल्लवी हम्म और अक्सर वो ऐसे सपनों के एंड में शायद उसे ढूंढने लगता है और पैनिक करने लगता है प्रॉब्लम उसके सपनों से नहीं है उसके सोच से है अगले कुछ महीने तुम लोग उसके साथ रहो उसके मन से ये चीज दूर करो कि उसके पेरेंट्स की मौत का कारण वो है अकेला मत छोड़ो उसे और इसके अलावा उसे स्ट्रांग काउंसलिंग की जरूरत है जो मैं पर्सनली उसे दूंगी ओके थैंक यू डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर तो शान कैसे हो कैसा लग रहा है एकदम ठीक हल्का महसूस हो रहा है बहुत थैंक यू डॉक्टर भैया को अब बढ़िया नींद आती है हम्म <laughs> और पता है भैया अब एक नई स्टोरी पे काम कर रहे हैं दैट्स गुड अच्छा शान तुम बेंगलोर जा रहे हो ना हाँ वो एक इंटरव्यू और हम सफर भी पब्लिश करवाना है देखो शान तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी ओके, okay. बताइए ना हम सफर पब्लिश होने के बाद तुम इस स्टोरी के बारे में ना ही सोचोगे और ना ही इस कहानी के कोई कैरेक्टर के बारे में प्रॉमिस? डोंट वरी यू कैरेक्टर फॉर मी एंड या मैं हम सफर के बारे में और कुछ नहीं सोचूंगा थैंक यू दोनों ध्यान से जाना और ये रहा डब्बा बाहर का कुछ मत खाना हाँ बाबा तू ख्याल रखना मैं जल्दी आ जाऊंगा अरे पहले जाएगा तब आएगा ना पांच महीने से जाने ही नहीं दे रही चल चल गुड्डी निकलते हैं तो अपना ध्यान रखना हाँ हाँ दादा चल बाय बाय शान तू मेरा बैग लेके अंदर चल मैं कुछ पानी और स्नैक्स लेके आता हूँ ठीक है जल्दी आ हवाया अक्सर दिशा बदलती रहती वक्त बदलता है सच्चाई बदलती है इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बदलता रहता है कुछ हमारे आंखों के सामने तो कुछ हमारे आंखों के परे पर बदलता जरूर है यू आर नॉट रियल मैडम आपका टिकट दिखाइए जी ये रहा दिस दिस राय सपने कभी बदलते नहीं है कुछ सपने गायब हो जाते हैं कुछ हकीकत बन जाते हैं और फिर उन सपनों से हम सफर करते हैं